ये आकाशवाणी है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी राजा नाहर सिंह हमारे उन अमर शहीदों में हैं जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान और राजपाट स्वतंत्रता की बलिवेदी पर न्यौछावर कर दिए। आज प्रस्तुत है अंग्रेजों द्वारा उन पर चलाए गए मुकदमे की कार्यवाही और संबंधित तथ्यों पर आधारित ये नाटक। तो लीजिए सुनिए डॉक्टर एम सईद आलम द्वारा लिखित ये नाटक राजा नाहर सिंह। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। दिसंबर 1857। आर्डर, आर्डर। मूल
मुल्जिम कैदी राजा नाहर सिंह वल्द राम सिंह हाजिर हो। मुल्जिम नाहर सिंह वलराम सिंह, आपको इत्तला दी जाती है कि आपके खिलाफ यूरोपियन मिलिट्री कमीशन मुकदमा चला रहा है। इस मुकदमे में जज ब्रिगेडियर चैम्बरलेन हैं और सरकारी वकील मैं मेजर हैरियट हूँ, डिफेंस लॉयर मिस्टर कर्टनी हैं। क्या आपको मिलिट्री कमीशन के किसी सदस्य से एतराज है? यदि किसी को एक नाटक बलपूर्वक दिखाया जाए तो क्या उसे उस नाटक के पात्रों पर एतराज हो सकता है? मिस्टर नाहर सिंह, आप अदालत की तोहीन कर रहे हैं, आप ब्रिटिश न्याय प्रणाली की तोहीन कर रहे हैं। ब्रिटिश न्याय प्रणाली का भारतवर्ष में क्या काम? डिफेंस लॉयर मिस्टर कर्टनी, आप अपने मुवक्किल से कहें कि हमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब चाहिए। वकील मेजर हैरियट, यू प्लीज कंटिन्यू। कैद नाहर सिंह, क्या आपको इस कमीशन के किसी भी सदस्य पर कोई एतराज है? नहीं। दिस इज बेटर। मेजर हैरियट, प्रोसीड। मुलजिम कैदी के खिलाफ चार्जशीट अदालत को पढ़कर सुनाई जाए। बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह पर पहला इल्जाम यह है कि इन्होंने कंपनी सरकार की पर्जा होते हुए भी 16 मई 1857 से 1 दिसंबर 1858 तक बागियों के साथ खातों किताबत यानी पत्राचार किया। ऑर्डर, ऑर्डर। कैदी नाहर सिंह पर दूसरा इल्जाम है कि इन्होंने बागियों को कंपनी सरकार के खिलाफ बगावत के लिए उकसाया और उनका साथ भी दिया। कैदी नाहर सिंह पर तीसरा इल्जाम यह है कि इन्होंने बागियों को बल्लभगढ़ किले में पनाह दी और उन्हें रसद और हथियार भी दिए। कैदी नाहर सिंह पर चौथा इल्जाम यह है कि इन्होंने कंपनी सरकार की पर्जा होते हुए भी पलवल, फतेहपुर और पाली पे कब्जा किया, जबकि ये तीनों इलाके ब्रिटिश राज का हिस्सा हैं। कैदी नाहर सिंह पर लगाए गए सारे इल्जाम 1857 एक्ट की धारा 16 के तहत ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक संगीन जुर्म है। ऑर्डर, ऑर्डर। कैदी नाहर सिंह, क्या आप अपने आप को दोषी मानते हैं? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? कैसी शर्त? अगर आप बागियों की जगह क्रांतिकारी शब्द का इस्तेमाल करें तो मैं सहर्ष दोषी हूं। क्या आप जानते हैं कि आपका ये स्टेटमेंट आपको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकता है? ये तो आपकी ब्रिटिश न्याय प्रणाली की दयालुता है कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया, वरना हजारों लोग तो बिना कुछ कहे भी फांसी के फंदे तक पहुंचाए जा चुके हैं। वो अपराधी थे, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से जंग किया, उनकी यही सजा थी। पर ब्रिटिश न्याय प्रणाली तो सभी अपराधियों को बचाव का मौका देती है। ओ, मिस्टर कर्टनी, आपके मुवक्किल अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। माय लॉर्ड, मेरा मुवक्किल अपना पक्ष अदालत के सामने रख रहा है। वो अपना पक्ष तभी सामने रख सकता है जब उन्हें ऐसा करने को कहा जाए। हर बात पे ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम का मजाक करना ठीक नहीं। मेजर हैरियट, प्लीज प्रूव द चार्जेस। सर, मैं गुड़गांव के मैजिस्ट्रेट विलियम फोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने गवाही पेश करें। यू मे प्रोसीड। मजिस्ट्रेट विलियम फोर्ड, अदालत में हाजिर हो। माय लॉर्ड, मैं विलियम फोर्ड, मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर गुड़गांवा, शपथ लेता हूं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ ना कहूंगा। मिस्टर फोर्ड, क्या कैदी नाहर सिंह ने गदर के दौरान पलवल, पाली
और फतेहपुर के इलाके पे जबरदस्ती कब्जा किया? यस मिलॉर्ड, राजा नाहर सिंह ने 20 मई को पलवल पर अटैक करके पलवल और उसकी ट्रेजरी पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, राजा ने अपनी फौज भेजकर फतेहपुर तहसील और पाली गांव पे भी कब्जा कर लिया। जबकि ये सारे के सारे इलाके ब्रिटिश राज का हिस्सा है। इसके साथ साथ राजा नाहर सिंह ने इन इलाकों में अपना पुलिस और टैक्स ऑफिसर भी अपॉइंट किया। हो सकता है कि राजा नाहर सिंह ने ऐसा ब्रिटिश इलाकों को बागियों के कब्जे से बचाने के लिए किया हो। नहीं, मैंने उन इलाकों को जो कभी मेरे पूर्वजों के अधीन थे उन्हें विदेशी कब्जे से वापस छीन लिया और ऐसा करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मिस्टर फोर्ज, ये बताइए कि क्या ये इलाके कभी नाहर सिंह के पूर्वजों के पास थे? जी हाँ, लेकिन जब राजा नाहर सिंह ने इन पर दोबारा कब्जा किया तो ये इलाके ब्रिटिश राज का हिस्सा थे और राजा को ब्रिटिश राज का प्रजा होते हुए ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। पर कर्तव्य अवश्य था। यह मेरा कर्तव्य था कि जहां तक हो सके मैं अपने राज्य और उसके आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखूं, वहां के लोगों की जान माल की रक्षा करूं। और ऐसा मैंने तब किया जब सारे के सारे अंग्रेज अफसर अपना कर्तव्य निभाने की बजाय उन इलाकों से भाग खड़े हुए थे। मुलजिम नाहर सिंह, आपने शांति व्यवस्था बनाने के नाम पर वहां पर लूटमार की। यह झूठा आरोप है। यदि लूटमार मेरा उद्देश्य होता तो मैं पलवल का खजाना लूटकर बल्लभगढ़ ले आता। Point to be noted, your lordship. मुलजिम नाहर सिंह, अगर आपकी मंशा लॉ एंड ऑर्डर कायम करना था तो आपको इसका खबर ऑफिसर्स को करना चाहिए था। मैंने इसकी खबर ऑफिसर को दी थी। मिस्टर फोर्ज, क्या आपको ऐसी कोई खबर नाहर से मिली? नो माय लॉर्ड। 20 मई 1857 को हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑफिसर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर थे, मिस्टर फोर्ड नहीं। माय लॉर्ड, नोट किया जाए, नाहर सिंह खुद ही यह कबूल करता है कि उसका बागियों के साथ संबंध था, जो कि इस मुकदमे का पहला इल्जाम है। बहादुर शाह जफर सिर्फ बागी ही नहीं, बागियों का सरदार है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मिस्टर कर्टनी, आप अपने मुवक्किल से कहें कि वो ऐसी हिंदी ना बोले जो अंग्रेजों के समझ में नहीं आ सकती है। व्हाट इज दिस उल्टा चोर कोतवाल के पास जाए? सर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आई अपोलोजाइज सर। ओके ओके, मेजर हैरियट, क्या आपको मिस्टर फोर्ड या नाहर सिंह से कुछ पूछना है? नहीं माय लॉर्ड, मैं तो सिर्फ एक इल्जाम सच साबित करना चाहता था, पर कैदी नाहर सिंह ने तो अपने ऊपर लगाए गए दो दो इल्जाम सच साबित कर दिए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल दिसंबर 21st। सर, राजा नाहर सिंह ने तो सारे इल्जाम आज ही एक्सेप्ट कर लिए हैं। वी कैन हैंग हिम इवन टुमारो। डू नॉट यू हरी मेजर हैरियट, डू नॉट हरी। हमको इंग्लैंड के लोगों को सेटिस्फाई करना है। उनका दिल जीतना है। हमें अपने मुल्क के लोगों को ये बताना है हम वाइट लोग जस्टिस लविंग रूलर्स हैं। हम अपने दुश्मन तक को भी सफाई का मौका देते हैं। सर, मोरओवर राजा अभी सिर्फ हमारी नजरों में मुजरिम है, हिंदुस्तानियों की नजर में वो हीरो है। हमें उसे हिंदुस्तानियों की नजरों में भी मुजरिम बनाना है। बट हाउ सर? वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच मिस्टर हैरी। Thank you.
21 दिसंबर 1857। माय लॉर्ड, यूं तो कैदी नाहर सिंह ने कबूल कर लिया है कि उसने बागियों से लेटर एक्सचेंज किए, फिर भी ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम के इस गोल्डन रूल के मद्देनजर कि किसी मुलजिम को तब तक मुजरिम नहीं माना जा सकता जब तक उसके खिलाफ सबूत ना पेश किए जाएं। मैं माय लॉर्ड आपका ध्यान इन पत्रों की तरफ दिलाना चाहता हूं। ये वो पत्र हैं जो राजा नाहर सिंह और कंपनी सरकार के सबसे बड़े बागी बहादुर शाह जफर ने गदर के दिनों में एक दूसरे को लिखे। लेकिन मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये लेटर राजा नाहर सिंह नहीं लिखे? मैं गवाह पेश कर सकता हूं, और मेरा गवाह है खुद राजा का मुंशी यानी लेटर राइटर शोगुन चंद्र। शोगुन चंद्र को अदालत में पेश किया जाए। शोगुन चंद्र वर्ल्ड विपिन चंद्र अदालत में हाजिर हो। बावला महाराज। शोगुन चंद्र जी, तुम्हें सौगंध है मुझे बचाने के लिए, झूठ मत बोलना। जी जी। शोगुन चंद्र जी, क्या राजा नाहर सिंह की तरफ से ये पत्र तुमने बहादुर शाह जाफर को लिखे? जी। किसके आदेश से? मौलवी अहमद अली के आदेश से। शोगुन चंद्र जी, क्या मैंने कभी तुमसे इन पत्रों को लिखवाया? नहीं महाराज। मेजर हैरियट, अब आपका नेचुरल जस्टिस सिस्टम क्या कहता है? ये पत्र तो मैंने लिखवाए ही नहीं। वकील साहब, मैं ही आपकी दुविधा हल किए देता हूं। ये सारे पत्र शोगुन चंद्र ने ही लिखे और मौलवी अहमद अली के आदेश से, पर मौलवी अहमद अली को ऐसा करने का आदेश मैंने ही दिया था। केवल यही नहीं, मौलवी अहमद अली मुगल दरबार में मेरे वकील थे। वो मेरा संदेश जहां पनाह बहादुर शाह जफर तक पहुंचाते थे और उनका संदेश मुझ तक। यस यस यस, मैं यही साबित करना चाहता था कि नाहर सिंह ने गदर के दिनों में बागी बादशाह के दरबार में अपना एजेंट अपॉइंट किया। मैं इस सिलसिले में बागी बादशाह के हकीम एहसानुल्ला खान को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। हकीम एहसानुल्ला को अदालत में पेश किया जाए। हकीम एहसानुल्ला खान बहादुर अदालत में हाजिर हो। हाँ हकीम साहब, आप तो वो हकीम निकले जिसने अपने ही मरीज की जान ले ली। काश काश आपने और नवाब इलाही बख्श ने बादशाह हुजूर को धोखे में ना रखा होता। काश आपने बादशाह को बल्लभगढ़ आने दिया होता जैसा कि वो खुद चाहते थे। लेकिन काश बादशाह ने आप जैसे देशद्रोही की बात ना मान के मेरी बात मानी होती। काश वो हुमायूं के मकबरे में छुपने की बजाय बल्लभगढ़ आ जाते तो व्हाट? तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और होता। मतलब ये कि आज मेरी जगह आप होते और आपकी जगह मैं। माय लॉर्ड, राजा नाहर सिंह बेकार में तकरार करके अदालत की तौहीन कर रहे हैं। मुझे हकीम साहब से कुछ पूछने का मौका दिया जाए। प्रोसीड मेजर हैरियट। हकीम साहब जी, क्या आप मौलवी अहमद अली को जानते हैं? जी हाँ हुजूर। कौन है वो? आप बादशाह के दरबार में राजा नाहर सिंह के वकील। क्या आपने उन्हें बगावत के दौरान लाल किले में आते जाते देखा? जी हाँ, हजारों बार। मुझे और कुछ नहीं पूछना है। अगर कैदी नाहर सिंह या उनके वकील हकीम साहब से कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मुझे हकीम साहब से सिर्फ ये कहना है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमा क्यों हो। नाहर सिंह, आप ऐसा शायद नहीं बोलें जो हम अंग्रेजों की समझ में नहीं आ सकता है। व्हाट इज दिस, जिसका दुश्मन आसमा हो उसका दोस्त जमीन क्यों हो? आप क्या समझेंगे।
तो क्या मैं जा सकता हूँ? यस, आप जा सकते हैं। माय लॉर्ड, मैंने अभी तक जितने सबूत और गवाह पेश किए हैं वो राजा नाहर सिंह को अपराधी साबित करने के लिए काफी हैं। लेकिन फिर भी कोई शक ना रहे, इसलिए मैं अदालत में मौलवी अहमद अली को पेश करना चाहूंगा। प्रोसीड। मौलवी अहमद अली, अदालत में हाजिर हो। मुझे कुछ नहीं कहना, मैं राजा नाहर सिंह को जानता हूँ। बेड़ियों में जकड़े इस इंसान को नहीं। अहमद अली, क्या तुम जानते हो कि झूठी गवाही की सजा सजाए मौत है? नमक हरामी की सजा भी सजाए मौत है जज साहब। मैं नमक हरामी करके अपने खुदा को मुंह नहीं दिखा सकता। मौलवी साहब, आप झूठ बोलकर भी खुदा को मुंह नहीं दिखा सकते? पर मैं आपको नहीं जानता। मौलवी अहमद अली, तुमको बल्लभगढ़ के राजा का आदेश है कि जो कहो सच कहो। व्हाट इज दिस? मौलवी अहमद अली, आप अपने राजा के आदेश का पालन करिए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या गदर के दौरान आप मुगल दरबार में राजा नाहर सिंह के वकील थे? बस, मुझे और कुछ नहीं पूछना है। अगर मुल्ज़िम या उनके वकील कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। योर लॉर्डशिप, अहमद अली की हालत आप ठीक रहे हैं, वो अपने सेंस में नहीं है। उसने जो कुछ कहा उसे सच नहीं माना जा सकता। नहीं कटनी साहब, अहमद अली ने जो कुछ कहा सच कहा। आज मैं और अहमद अली दोनों ही अदालत में मुंह दिखाने के काबिल हो गए। सरकारी वकील, आप कोई और गवाही या सबूत पेश करना चाहते हैं? नो, दैट्स ऑल। द कोर्ट इज एडजर्न्ड टिल दिसंबर 22। दिसंबर 1857। माय लॉर्ड, राजा नाहर सिंह पर एक इल्जाम यह भी है कि उसने दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले बागी फौजियों के भोजन का इंतजाम किया और उन्हें अपनी देखरेख में रखा। ये आशा तो हर देशभक्त से की जानी चाहिए। माय लॉर्ड, कैदी नाहर सिंह ने यह जुर्म भी कबूल कर लिया है। फिर भी मैं एक गवाह पेश करना चाहता हूं। मेरा गवाह है हरक चंद पंसारी, जिसके साथ राजा बल्लभगढ़ का रुपए पैसे का लेन देन था। हरक चंद पंसारी को अदालत में पेश किया जाए। हरक चंद पंसारी, अदालत में हाजिर हो। जी हजूर। हरक चंदर जी, क्या तुमसे राजा बल्लभगढ़ ने नसीराबाद से दिल्ली आने वाले बागी फौज को भोजन का प्रबंध करने को कहा था? जी हाँ। क्या तुमने भोजन का प्रबंध किया था? हजूर, जब मैं ऐसा करने बल्लभगढ़ जा रहा था तो रास्ते में मुझे बागी सिपाहियों ने पकड़ लिया और मुझे दिल्ली में कैद कर दिया। अच्छा, ये बताओ, क्या राजा नाहर सिंह ने बल्लभगढ़ के दुकानदारों को ये आदेश दिया था कि आगरे से आने वाले बागी जो कुछ मांगे वो उन्हें दे दिया जाए और उसका पैसा राजा से वसूल किया जाए? जी हाँ, राजा जी ने ऐसा भी आदेश दिया था। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। आप तो दिल्ली में कैद थे, फिर आपको ये कैसे मालूम कि मैंने ऐसा आदेश दिया था? जी वो दरअसल वो मैं वो इसे कहते हैं फर्जी गवाह और फ्री एंड फेयर ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम।
मिस्टर कर्टनी, अदालत में इतना जोर से हंसने का इजाजत नहीं है। मिलॉर्ड, पर बात तो हंसने वाली ही है। क्या क्या किसी को इस बात का दोषी ठहराया जा सकता है कि उसने अपने मेहमानों की दावत की? दोष तो ये हो सकता है कि उसने दावत की, पर दावत में खरीदे गए सामान का पैसा बनिए को नहीं दिया। दोष तो ये हो सकता है कि ब्रिगेडियर चैम्बरलेन ने मेजर हैरियट की दावत की और उसका बिल मुझे अदा करने को कह दिया। तेईस दिसंबर 1857। ब्रिगेडियर शावर्स, अदालत में हाजिर हों। ब्रिगेडियर शावर्स, आप बल्लभगढ़ का किला फतेह करने का रुदात अदालत को डिटेल में बताएं। मी लॉर्ड, मैं 6 नवंबर 1857 की सुबह अपनी फौज के साथ बल्लभगढ़ पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। अभी मैं किले से कोई 2 मील दूर था कि राजा नाहर सिंह अपने सैनिकों के साथ मेरे पास आया और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। झूठ है, सफेद झूठ। राजा नाहर सिंह आत्मसमर्पण कर दे यह संभव नहीं। जाट पुत्र आत्मसमर्पण कर दे संभव नहीं। मुझे शावस ने धोखे से गिरफ्तार किया। शावस जंग के मैदान में सफेद झंडा दिखाकर मेरे सामने संधि का प्रस्ताव रख रहा था। नो नो नो, शावस ने मुझे अपने अधिकारियों द्वारा संदेश भेजा कि अंग्रेज सरकार मुझसे शांति करना चाहती है। नो नो, ये झूठ है, ये झूठ है। शावस ने एक मुगल दरबारी को भी मेरे पास भेजा जिसने कहा कि अंग्रेज सरकार मुगल बादशाह से शांति समझौता कर रही है और बादशाह की ये इच्छा है कि संधि के दस्तावेज पर वो मेरी मौजूदगी में हस्ताक्षर करें। नो नो नो, ये सब बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। अगर ये सब झूठ है तो पाक बाइबल की कसम खाओ ब्रिगेडियर शावर्स, और कहो कि ये भी झूठ है कि मुझे बल्लभगढ़ से 2 मील दूर नहीं, मुझे दिल्ली में घुसने से बस थोड़ी दूर पहले गिरफ्तार किया गया। राजा नाहर सिंह, अभी आपने डॉक्टर एम सईद आलम द्वारा लिखित ये नाटक सुना जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी राजा नाहर सिंह पर अंग्रेजों द्वारा चलाए गए मुकदमे की कार्यवाही तथा संबंधित तथ्यों पर आधारित था। नाटक के निर्देशक थे दानिश इकबाल और प्रस्तुति सहायिका थीं विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार है। राजा नाहर सिंह के किरदार में थे योगेंद्र टिक्कू, जज ब्रिगेडियर चैम्बरलेन का पात्र निभाया था कीमती आनंद ने, मौलवी अहमद अली और सीबी सॉन्डर्स के रोल में थे श्याम अरोड़ा, अर्दली का पात्र निभाया एसएम शरीफ ने और विलियम फोर्ड के रोल में थे अशोक मलकानी, डिफेंस काउंसिल मिस्टर कटनी का किरदार निभा रहे थे किशोर सहजानी, हरकचंद पंसारी की भूमिका में थे सुनील कुमार लोहिया, जबकि सलीम खान शोगुन चंद्र और हकीम एहसानुल्ला का किरदार निभा रहे थे। इसी तरह ब्रिगेडियर शावर्स और बलदेव सिंह की भूमिका में थे कमल साथी, मिस्टर माइकल के पात्र में थे दिनेश वर्मा, जबकि सरकारी वकील मेजर हैरियट का किरदार निभाया राजेश आहूजा ने। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी। केंद्रीय नाटक एकांश के लिए तैयार किए गए इस नाटक को आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।